महंगाई, और दूसरी बात ये प्रॉपर विधायक का गढ़ है, बीजेपी विधायक जो अभी के हैं श्रीमती लीला टप्पू जैन जी, उनका ये गांव निजी गांव है। और इसकी हालत आप कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कंडीशन है। आज 1150 पहुंच गया सिलेंडर, उसकी बात कोई नहीं करेगा, लेकिन अंदर सब बात रखे हुए हैं। वोट देने के पहले एक बार सोचेगा आदमी के 115-116 रुपये लीटर पेट्रोल, मीठा तेल 140 प्लस चल रहा है अभी, जो अपन सोयाबीन तेल बोलते हैं। इसके बावजूद जब बटन दबाने जाएंगे ना, तो एक बार दिमाग में ख्याल आएगा कि ऐसा ना हो, गलत तो नहीं दब रही, कि अब की बार 115 की जाएगा 230 पहुंच जाए। हाँ, तो वो सोचने से पहले वोट देगा इंसान, और इस बार तो क्लियर लग रहा है कि सत्ता पलट फिर तो होगी। नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बात की जाए विदिशा जिले के गंज बासौदा विधानसभा सीट की, गंज बासौदा विधानसभा सीट के हम सिरनोटा इस गांव में आए हुए हैं। यहां पर तमाम लोग खड़े हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ वरिष्ठ भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि विधानसभा में क्या काम हुए कि नहीं हुए, जनता कितनी खुश है और जनता इस बार किसे चाहती है। दादा, आपसे ही सवाल है, पहले क्या स्थिति है इस बार विधानसभा की? विधानसभा की जाए स्थिति, ये काम तो हो रहे हैं और काम नहीं भी हो रहे, पंचायतन में कोई काम नहीं हो रहा है और विधायक का काम हो रहा है, तो स्थिति तो बात हो भी रही जो नहीं भी हो रही, दो ही बात ये है। पब्लिक जेल में, रास्ता में परेशान है, सड़कें बेहोमस रही हैं, जैसे गांव की बता रहे हैं अपन, रोड की नहीं। तो गांव में चलो तो गांव में गड्ढे गड्ढे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं, अब जल नल योजना अब चालू भई है, तो नली डर गई, अब कपस में नली डरी रहेगी कि वहाँ पानी आ गो, खुदाई कर दी बस। हाँ, गांव गांव खुदाई हो गई, लान डर गई। इस बार तो क्या स्थिति हुई है, चुनाव भी पास आ रहे हैं? चुनाव तो पास आ रहा, तो बात तो जनता पार्टी गड़े हैं कुछ, तो अब जहाँ में टिकट को अब आदमी व्यक्ति पर चले है, अब टिकट को बदला होगा तो जनता आपकी देर मानी जाए, जनता पार्टी आ गई और नहीं भाओ तो फिर तो 50% समझ लो कांग्रेस भी ले जा सकी है। अच्छा, विधायक को टिकट का बदलाव नहीं होगा तो कांग्रेस भी आ सकती है? हाँ, कांग्रेस आ सकती है। क्या ऐसी स्थिति है, विधायक जी क्या नहीं पसंद कर वो रहे? तो जो तो अब मान जाए राजस्थान की ऐसी कथा चल रही है, जहाँ का कही बदल के वो व्यक्ति पर ज्यादा रहेगा, कि जैसे तुम्हें हम जानते चीनते हैं, तो हम तुम्हारी सोच रहे अपने भाई साहब मन को भाई दे, वो कचु नहीं जाने चीने तो वे पार्टी के नाते में। किसका मिलना चाहिए इस बार टिकट पर? अब जा हम नहीं बता सके, अब जा तो ऊपर की पसंद का है। हम कोई नहीं चाहे, हम तो आम आदमी है, हमें तो जनता पार्टी में वोट देते आ रहे हैं, तो हम तो दंगे बदलाव चाहते हैं। नहीं, अपन नहीं चाह रहे, मैं तो आपका क्या विचार है, आप भी युवा है? जैसा कि मैं बताऊं तो सबसे पहली बार तो अब की बार मुद्दा होगा महंगाई, और दूसरी बात ये प्रॉपर विधायक का गढ़ है, बीजेपी विधायक जो अभी के हैं श्रीमती लीला टप्पू जैन जी, उनका ये गांव निजी गांव है। और इसकी हालत आप कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कंडीशन है। आज 1150 पहुंच गया सिलेंडर, उसकी बात कोई नहीं करेगा, लेकिन अंदर सब बात रखे हुए हैं। वोट देने के पहले एक बार सोचेगा आदमी के 115-116 रुपये लीटर पेट्रोल, मीठा तेल 140 प्लस चल रहा है अभी, जो अपन सोयाबीन तेल बोलते हैं। इसके बावजूद जब बटन दबाने जाएंगे ना, तो एक बार दिमाग में ख्याल आएगा कि ऐसा ना हो, गलत तो नहीं दब रही, कि अब की बार 115 की जाएगा 230 पहुंच जाए। हाँ, तो वो सोचने से पहले वोट देगा इंसान, और इस बार तो क्लियर लग रहा है कि सत्ता पलट फिर तो होगी। 2018 में भी सरकार बदली थी, तमाम दावे हुए लेकिन सरकार नहीं चल पाई। वो देखिए, कुछ जयचंद द्वारा वो सरकार गिरा दी गई थी, वो तो सबको पता है। पहले भी वो ही सिंधिया जी ने किया था, कांग्रेस अंग्रेजों के ज़माने में, वहाँ भी हार गए थे अंग्रेजों से मिलकर। अब फिर उन्होंने वही खेल खेल दिया, यहाँ भी जैसे तैसे सरकार, थोड़ा बहुत काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इतने जल्दी बच्चा पैदा होने से ही निंगना शुरू नहीं कर देता है, टाइम लगता है उसे भी चलने में। लेकिन इससे पहले ही कुछ करते कि सरकार गिर गई। उसके बाद यहाँ पे सरकार ने क्या किया है आपके सामने है। अतिथि शिक्षक अभी 30 तारीख से मैंने एक न्यूज देखी थी, शायद 30 तारीख से फिर से हट जाएंगे वो लोग। इसके बाद पूरी जितना देख लो, सब धरने पे, यादव समाज धरने पे, ब्राह्मण समाज धरने पे, पूरी आशा कार्यकर्ता 22 दिन हो गए हैं समीप गंज वासुदा में धरने पे बैठी हुई हैं। आप 1000 रुपये महीना औरतों के खाते में डाल रहे हैं, लेकिन उन बहनों को क्यों नहीं कर रहे आगे, उनकी पेमेंट क्यों नहीं बढ़ा रहे? दिन भर गाँव में घूमती है, अपने बच्चे पैदा करवाती है, बच्चों को खाने को देती हैं, वो कहाँ हैं मामा, उन बच्चे को क्यों नहीं देख रहे हैं?
इस बार मुद्दे ज्यादा हैं, आपने आशा कार्यकर्ताओं के बताए, आंगनबाड़ी की हो गए चाहे अतिथि वालों। देखिए मुद्दे काफी हो चुके हैं अब की बार, और सबसे बड़ा मुद्दा तो है किसान जी। सबसे बड़ा मुद्दा है किसान, ये दादा किसान है जी। मैं बता रहा हूँ इनको जी। आज किसान की ये स्थिति है कि कहीं गेहूँ बो दे, गेहूँ सही आ जाए तो सर्वे, एक तरीके से सर्वे टाइप का होता है कि अब की बार कौन सी फसल ज्यादा बुआई है क्षेत्र में, उसका थोड़ा बहुत मूल कम रहता है। दूसरी बात, पानी गिर गया तो भी मूल कम मिलना है, दवाई छिछुआ सब करवाए, इसके बाद ना निकले तो आत्महत्या करने की तक नौबत आ जाती है किसानों की। सड़कें उखड़ी पड़ी हैं पूरी, और यहाँ तक की है कि बाढ़ का मुआवजा भी अभी तक लोगों के खातों में नहीं आया है। विधायक जी, जो अपने गांव में विकास नहीं कर पाए तो गंज बसौदा विधानसभा में क्या किया होगा? एक यह है कि अब की जो मान लो कि 25% चांसेज हैं, ये कुछ इनमें से बीजेपी के भी लोग होंगे उनसे पूछ लो, सिर्फ 25% चांसेज हैं कि वो जीत जाए यहाँ से, वरना उनकी हार पूरी तरीके से तैयार खड़ी है कि आप टिकट लेके आओ, हार के पहले ही हो गया आपके चुनाव के पहले। तमाम वो मुद्दे हैं, दादा भी हमारे साथ हैं, काफ़ी राजनेता भी दिख रहे हैं, आप कुर्ता पजामा पहन के मिल गए, क्या स्थिति है विधानसभा की इस बार? अरे कछु स्थिति नहीं है, कछु काम ही नहीं हो रहा बिल्कुल ही। और तो बड़े लंबे लंबे दावे हैं विकास, ये तो वोट ले अभी आ जाते तो घरों में घुस घुस के लेते हैं। विधायक साहब 5 साल से लौट के तो आ नहीं रहे, गाँव में आ रहे हैं नहीं है, ये का हो रहा है का नहीं हो रहा, वही सब तो वोट ले घर बैठे। विधायक जी का गाँव है सरनोटा है, इसमें कुछ काम हुआ कि नहीं? कुछ काम नहीं हुआ, सब काम बिल्कुल ऐसे ही फेल डरे। इस बार फिर चुनाव है, नजदीक आ रहे है तो अब वो आपकी दूरी बदलाव करें चला फिर रहे गाँव भर ये आवास योजना की कोई मिल कुछ नहीं रहा, ना कोई लेटरिंग है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, और ना कोई स्कूल की भी सुचारू रूप से व्यवस्था है। अब मास्टर लोग भी अपनी मर्जी से आ रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, 4 महीने पहले पूरे गांव के बच्चे बिल्कुल स्वतः गिनती नहीं जान रहे। भारत के सरपंच साहब 4 महीने पहले एक किसान निकाल खा गए एक बाउचर, क्षेत्र में कछु काम भाग नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। नीला जैन विधायक तो कहती हमने बहुत, हमारे गांव में एक आध बार गई भाई, एक आध बार 5 साल हाँ, कोई विकास नहीं हुआ हमारे गांव में। कौन सा गाँव? मुआसा। तमाम क्षेत्र के लोग हैं, काफी अनुभवी हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ वरिष्ठ भी हैं, और एक बदलाव की लहर है कि प्रत्याशी बदलेगा तो ये गंज बसौदा सीट भाजपा जीत सकती है, अगर प्रत्याशी नहीं बदला तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कांग्रेस के विधायक बनने की आशा है, गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। तो अगर सीट नहीं बदली तो गड़बड़ी हो सकती है, दादा कह रहे हैं। देखना होगा अब 2023 में भारतीय जनता पार्टी गंज बसौदा सीट से किसे टिकट देते, महत्वपूर्ण बात है क्योंकि क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक का विरोध है, आज उनके गांव में सरनोटा गांव में भी उनका विरोध देखने को मिला। जुड़े हमारे साथ राजधानी समाचार न्यूज़ की रिपोर्ट, गंज बसौदा विधानसभा जिला विदिशा।